जी हल्का पीपी 127 में जो है वो इंतखाबी मुहिम जारी है और इस हवाले से जो है वो साबिक वफाकी मिनिस्टर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो है अली मोहम्मद खान जो है वो जंग पहुंचे, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। खान साहब आप यहाँ जंग पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पहुँच कर जो है वो आप क्या समझते हैं कि जंग में शख्सियत का वोट है, इस दफ़ा नजरियाती वोट जो है वो सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु सल्लि व सल्लम मुबारक अला सैयदना मुहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त पहले तो पूरी जंग की अवाम बिलखसूस मुकला बरदरी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का सबका शुक्रिया जिस तरह उन्होंने मुझे वेलकम किया। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार में जंग की जो बहुत एक हिस्टोरिकल जगह है और बहुत इज्जत वाली जगह है, जितना मुझे उन्होंने इज्जत दी मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आपको अल्लाह जाय खैर दे, फैसला हो चुका है, अवाम ने फैसला कर दिया है। वो इस वक्त इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान से बाहर किसी ताकत को देने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर लाइन्स जो हैं वो ड्रा हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो अब भी बैन अल-अक़वामी इस्तेमार के इशारों पर इस मुल्क में हुकूमतें बनाने, तोड़ने, जोड़ने और इस सारे चक्रों में लगे हैं, लेकिन अवाम की गालिब अक्सरियत इस एक नज़रियाती नुक्ते पे इकट्ठी इमरान खान के साथ है कि पाकिस्तान के फैसले हमने पाकिस्तान में करने हैं और कोई इम्पोर्टेड हुकूमत हमें कबूल नहीं है। जी खान साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वुकला से खिताब करेंगे, जिसके बाद जो है वो वर्कर कन्वेंशन से जो है वो खिताब करेंगे और पीपी 127 में जो है इंतखाबी मुहिम में भी जो है वो शामिल होंगे। और ये यहाँ पहुँचे, इनका कहना है कि 17 जुलाई को जो है वो जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जी।